मुझे देखकर भाग रहा है कायर। प्राण जाए फिर भी मैं आपसे युद्ध नहीं करूंगा भैया। अब प्राणों के सिवाय बचा क्या है तेरे पास कायर? अब तो राज्य भी मेरा और रूमा भी। अब मत रोकिएगा महाराज सुग्रीव। हनुमान, महाराज सुग्रीव बस थोड़ा और निकट ही जाना है, आप ऋषिमुख पर्वत की सीमा तक जाओ। छोड़ो हनुमान मुझे, जाने दो। महाराज बाली, ऋषि मुख पर्वत के स्पर्श का आनंद नहीं लोगे? मैं चाहूं तो एक क्षण में आपको पर्वत के शिखर पे फेंक सकता हूं, जहां पर गिरते ही आप ऋषि मारदंड के श्राप से भस्म हो जाओगे। मैं सुग्रीव को मारे बिना नहीं जाऊंगा यहां से। फिर तो हम सदा सदा के लिए इसी अवस्था में उलझे रहेंगे महाराज बाली। महाराज बाली, आप मेरी बात ठीक से समझो। एक उपाय है मेरे पास, महाराज सुग्रीव को ऋषि मुख पर्वत पर रहने दीजिए और आप किष्किंधा पर राज कीजिए। आप मुझे वचन दीजिए, जब तक वो यहाँ हैं, आप उन्हें क्षति नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि यहाँ आए तो सच में इस बार मैं आपको क्षमा नहीं करूंगा। नायक बनने का अवसर खोकर बहुत दुख होता है ना? आप राक्षस बन गए हो, किंतु आपको दंड मैं नहीं दूंगा, स्वयं मेरे प्रभु श्री राम देंगे। उचित है, मैं सुग्रीव के प्राण छोड़ दूंगा जब तक वो इस पर्वत पर कायरों की भांति छुपा है। मैं उसका पीछा नहीं करूंगा। अति उत्तम, तो अब आप लौट जाएं और आपको मेरी चेतावनी स्मरण रहे, आप यहां दोबारा नहीं आएंगे। परंतु मेरी भी एक चेतावनी है, सुन लो। सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत से नीचे नहीं आना चाहिए। बाली, जल्द से मेरी शक्ति भी ले लो, तो भी मुझसे युद्ध करने के लिए तुम्हें सीमा को लांघना होगा। हनुमान, महाराज सुग्रीव, हम ऋषिमुख की सीमा में सुरक्षित आ चुके हैं, आप निश्चिंत रहिए। धन्यवाद हनुमान, तुमने जीवन दान दिया है मुझे,
किंतु मेरा दुर्भाग्य देखो, मेरे अपने ही भाई ने मुझसे मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरा राज्य सब छीन लिया। महाराज सुग्रीव, अधर्म का वृक्ष तेजी से पनपता है और उतने ही तेजी से काटा भी जाता है। बाली का नाश अवश्य होगा, क्योंकि धर्म के रक्षक मेरे प्रभु श्री राम आ रहे हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम राक्षस अपना कुमार छोड़ने को तैयार नहीं और श्री राम अपने संकल्प पे अड़े हैं, किंतु मनुष्य जन्म के कारण विष्णु अवतार श्री राम की सीमाएं हैं, मनुष्य जन्म की भी मर्यादाएं हैं। बल और छल में वो इन राक्षसों से कैसे जीत पाएंगे? देवी, श्री राम की सीमाएं केवल मर्यादा तक सीमित है। समय और प्रयास की कोई सीमा नहीं है श्री राम के लिए, और इसी कारण इस वनवास काल में श्री राम ने सैकड़ों राक्षसों का संहार किया, कई ऋषियों और ऋषि कन्याओं का उद्धार किया। आयुष्मान बाबा, इसी तरह धर्म की रक्षा के लिए आगे बढ़ते रहो, नियति तुम्हारे साथ है। और साथ ही ज्ञान भी बटोरते चले गए, और इसी प्रकार धर्म और न्याय के पथ पर चलते हुए कई वर्ष बीत गए। परंतु इतना समय व्यतीत हो जाने के उपरांत भी श्री राम की भेंट ऋषि अगस्त्य से नहीं हुई थी। वो ऋषि अगस्त्य जिनके पास स्वयं श्री राम के प्रारब्ध की कुंजी है, इससे पूर्व की बहुत देर हो जाए। श्री राम का ऋषि अगस्त्य से मिलना अत्यावश्यक है। लक्ष्मण जी। भैया, क्या बात है, तुम व्यथित लग रहे हो। इस वन में भटकते हुए लगभग कई वर्ष बीत गए भैया, किंतु अब तक हमें वो वृक्ष नहीं मिला है जो हमें ऋषि अगस्त्य के स्थान तक ले जा सके। कभी कभी तो लगता है कि क्या सत्य में ऐसा कोई वृक्ष है भी, या ये बस एक कथा मात्र है। मधुमक्खी नहीं जानती लक्ष्मण कि जिन पुष्पों से वो रस इकट्ठा कर रही है उसका कण भी संसार में फैला रही है।
हम पथिक हैं लक्ष्मण, और पथिक का कर्तव्य होता है बिना कर्म फल की इच्छा की अपने कर्तव्य पथ पर चलते रहना, बिना आस लगाए निरंतर प्रयास करते रहना। और फिर क्या पता, जिसे हम निरंतर खोज रहे हैं वो हमारे नेत्रों के सामने हो, बस हम उसे देख ना पा रहे हो। जी भैया। आओ सीता। संध्याकाल होने को है, आज रात्रि हमें यही विश्राम करना चाहिए। जी भैया। सीते, विवाह से पूर्व की रात्रि स्मरण है तुम्हें? नहीं तो? स्मरण उसे किया जाता है जिसे बुलाया जा सके, और मैं तो आज भी उसी क्षण में हूँ, उसे जी रही हूँ। उस रात्रि भी चंद्रमा इतना ही सुंदर था, और मिथिला की शीतलता पवन में घुली थी, मेरी सीता की सुगंध। अच्छा, मैं नहीं जानती थी कि धनुर्धर राम शब्दर भी। आप तो कविताएं कहने लगे। जब जीवन संगिनी प्रकृति से मिले तो कोई भी कवि बन सकता है। राम 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 राम। भैया सावधान, केवल स्वर है भैया, कोई दिखाई नहीं दे रहा। यह अवश्य ही उन दंडी राक्षसों की कोई चाल हो सकती है। राम, राम, राम। ये कैसी ध्वनि आ रही है? जो भी है शुभ तो नहीं है भाभी, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे संपूर्ण वन वेदना के सागर में डूबा हुआ है। राम, 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 राम। स्वर वहां से आ रही है। सावधान भैया, ये किसी असुर का छल भी हो सकता है। राम, राम, राम। भैया वन में पग मैंने आपकी सेवा और सुरक्षा के लिए ही धरा है, इसीलिए आगे तो मैं ही चलूंगा। देखा भैया, मैंने कहा था ना, ये एक माया जाल है, हमें यहां से चलना चाहिए। भैया राम राम राम। नहीं लक्ष्मण, इस वृक्ष की पुकार में छल का सार नहीं, करुणा का संसार सुन रहा हूं मैं। राम संभल कर भैया, संभल कर भैया। राम राम।
भैया लगता है हमारी खोज संपन्न हुई। अगस्त्य ऋषि का पता बताने वाला वृक्ष यही है। राम। किसी वेदना में हो मित्र? मेरा नाम कैसे ज्ञात है आपको? इस सुरक्षा कवच को भेद कर मुझ तक पहुंचने का सामर्थ्य केवल आपकी करुणा में है राम। सैकड़ों वर्ष बीत गए प्रतीक्षा में, आज मेरे सौभाग्य के द्वार खुल गए। प्रणाम। आपके शब्दों में ज्ञान का आधार दिख रहा है। कौन है आप? मैं सुतीक्ष्ण ऋषि अगस्त्य का शिष्य हूं। महर्षि अगस्त्य के शिष्य? कहां थे आप ऋषि? यदि आप थोड़ा पहले मिल जाते तो आपके और हमारे कई वर्ष बच जाते। आपको ज्ञात नहीं है कि ऋषि अगस्त को हमने कहां कहां नहीं ढूंढा है। अब तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे हमारा जीवन सफल हो गया। अब शीघ्रता कीजिए, बताइए कि आपके गुरुदेव ऋषि अगस्त्य हैं कहां? वर्षों में ही थक गए। ऋषि अगस्त और मैं तो सदा सर्वदा से श्री राम की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आइए आपकी प्रतीक्षा का अंत किए देते हैं। जी आइए राम, इस ओर राम। देव ऋषि के आश्रम में आपका स्वागत है। कितना सुंदर वातावरण है ना। परंतु ऋषि अगस्त्य हैं कहाँ? सामने देखो लक्ष्मण, ब्रह्मदेव के मानस पुत्र, सप्त ऋषियों में से एक, देवताओं की सहायता के लिए समुद्र पी जाने वाले, कावेरी नदी को धरा पर लाने वाले, महासामर्थ्य होने पर भी करुणा भाव रखने वाले महर्षि अगस्त्य। गए राम। हाँ महर्षि,
अंततः भाग्य सौभाग्य में बदल ही गया आपके दर्शन पाकर। यशस्वी भव। मन कहता है वर्षों की प्रतीक्षा की सुखद अंत और मेरे श्री राम सदा के लिए यहीं रुक जाए, पर मैं जानता हूं आपका उद्देश्य बहुत बड़ा है और उद्देश्य पूर्ण करने के लिए समय सीमित है, परीक्षा की घड़ी समीप है और आगे का मार्ग अत्यंत कठिन है। हर दिन धैर्य और बल क्षीण होता जाएगा, इसीलिए तो हम आपके पास आए महर्षि। मार्ग चाहे जितना कठिन हो, गुरु का मार्गदर्शन उसे सरल बना ही देता है। तुमने ठीक कहा राम, किंतु एक सत्य और है। तुमने अभी तक जितने भी राक्षसों का नाश किया है, लेकिन आने वाले मायावियों के समक्ष वे सभी बहुत तुच्छ हैं। खरदूषण के पापों का अंत कर तुम्हें महाबली राक्षस राज रावण से लड़ना होगा। यदि वो महाबली है तो हम भी रघुवंशी हैं। हमसे ना रावण बच पाएगा और ना ही उसकी सेना। लक्ष्मण, मेरा अनुज भोला है ऋषिवर, शीघ्र ही आवेश में आ जाता है, उसे क्षमा कर दे और हमें आगे का मार्ग बताए। राम, तुम्हारे वनवास का ही अंतिम चरण है। जैसे भोर के निकट आने से रात की कालिमा और लंबी होती चली जाती है, आगे आने वाले संकटों में तुम्हारी सहायता के लिए मेरे पास कुछ है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.